जी जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका भाई जाहिद खान अली। लाइफ इज द नेम ऑफ स्ट्रगल का नेक्स्ट पार्ट आगे क्या हुआ। व्लॉगिंग या लाइफ स्टोरी को बंदा स्क्रिप्टेड करके नहीं बयान कर सकता, कुछ सोच के बयान नहीं कर सकता। जो यादों के दरीचों से चीजें निकलती हैं उनको एज इट इज बयान करने का ही मजा। बात शुरू हो रही थी कि आगे क्या हुआ। जैसे मैंने बताया कि जिंदगी का पहिया रवानी से चल पड़ा, सब शराजे बिखर गए, सब ग्राउंड वीरान पड़ गए, सब दोस्त अपने अपने मौज के तलाश में निकल पड़े, कोई किधर कोई किधर। मैं वहीं था, मेरे कुछ दोस्त भी वहीं थे, उसी गांव में। लास्ट टाइम कदीर खान को डिस्कस करना भूल गया, जहीर फौजी का भाई था कदीर, ये मेरे साथ था। एक मेरा प्यारा दोस्त मुबशर बिल्लू, वो साथ था। लड़कपन के दौर में प्यार होता है, लड़कपन का वो पहला प्यार, वो लिखना हाथों पे प्लस मुबशर साहब को भी प्यार हो गया। लड़की बेवफा थी, छोड़ के चली गई, भाई साहब ने गुस्से में आके उसका मर्डर कर, मर्डर उसको करने के लिए गया लेकिन गलती से उसके साथ। आज वो जेल में है, पिछले 10 साल से गुनाहों की अल्लाह ताला उसको सजा में बाहर आए। ये सर्कल चलता रहा, ये टाइम बढ़ता रहा, वक्त आ गया हम बात का कुल अंदर समझाए कर। इकतीस अगस्त बुध वाले दिन सन 2005 में मेरी नानी की डेथ, हर चीज खत्म हो गई। असल में उस दिन एक बहुत वाक्य नहीं तो। जनाजे का टाइम आ गया, मैं नानी अम्मा की चारपाई का जनाजे का एक जो पंजाबी में उसको क्या बोलते हैं कि मंजी का पावा, उसको लिपटा हुआ रो रहा था। जनाजा उठाने का टाइम आया तो मेरे नाना कलमाए शहादत की आवाज बुलंद हुई, मेरे नाना को मुझे करे अपने अंदाज में बोले कि पुत्र आज इस कार की हुई जनाजा नहीं, दो जनाजे तेरी नानी का देख। ऐसे ही कहते हैं ना कि नानके नानियों से और मामे माओं से। जब नानी का जनाजा उठा तो उसके ठीक 10 दिन बाद मैंने उस गाज से अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। मैंने एक बैग उठाया और अपनी वालदा के पास तहसील बलवाल जिला से बोला। फिर उस दिन के बाद मैं पलट के उस घर में दोबारा, क्यों जब नानी थी कोई जगाने नहीं आता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, पियो खबर था मुंडा सो रहा है, जगाना नहीं, तंग नहीं करता, तो आप सब बादशाह सब 12-1 बजे उठना,
लेकिन पराठा ताज़ा था, चाय ताज़ी। कपड़ों के ऊपर हल्का सा स्टेन होना, खराब के कपड़े धोए। नानी ने फिकर का शिकायत की, 10-12 बारी बारी सुखा दे। कपड़े क्यों सही धोते बोले थे, हाथ टूट गए, मेरे मुंह खुज जाने में फला। ओहो लगते भी सही आप चुप वहां पर कुछ अच्छे दोस्त थे, अमर असंसोल, एडवोकेट शहबाज खान आफरीदी, एडवोकेट अच्छे क्रिकेटर मार इमरान, तहसील बलवाल का सबसे अमीर क्रिकेटर, किलो फैक्ट्री का मालिक, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ हासिल नहीं, न घर के रहे न बाहर, नाखियां दे बिगड़े कि तुसे कुछ नहीं कर पाए। मैं अना खान साहब कोई मजबूरी नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता, हम जॉब कर वापिस जेल। बचपन में नादानियां, जवानी में शैतानियां होती रहती हैं, शैतानियों शैतानियों में एक दोस्त होता है, उसको डिवोर्स किया। मैंने आओ देखा ना था, उसको साथ दिया सीधा था, माँ को आगे बोला कि मेरी वजह से मैं इसे शादी, इससे बड़ी मेरी पहली बार शादी कर, माँ नाराज हुई कैसे, बहनों ने मुझे लेकिन जुबान थी निभाए। 2009 वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, लवली डे ऑफ माय लाइफ, कभी नहीं बोल सकता। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल जाना था, रास्ते में कुछ ऐसा मिसहैप हो गया कि वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ गलत, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की परमिशन मांगी, नेचर की, लेकिन ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने ये बात बोली, सॉरी बेबी की डेथ हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका, सांस नहीं ले, थोड़े मंथों के बाद थोड़े चाव के बाद कर रहे बच्चे की पैदा, और इजाजत दी, ऑपरेशन हुआ, छोटी सी एक गुड़िया एक कपड़े में लपेटती हुई नरसने के लिए रूट से देखा, बच्चे का मुद्दा जिसम होगा कहीं दबाने के लिए मेरे पास ही देखा। नर्स बोली आज भी वो वर्ड मुझे याद है, कुड़ी का प्यो केड़े जी, मैम इतनी मुबारक हो, आपकी वाइफ भी सेफ, आपकी बेटी भी सेफ। बाबा लेकिन नसरी 5 मिनट बाद नसरी को मुझे मार अच्छी आपकी तंदुरुस्त वो मैं ही मार, मेरी बेटी मेरे हाथ। इससे पहले कुछ
बताना भूल गया। मैं जब वापस दोबारा जेलम में आया, सोचा कुछ कारोबार किया। कारोबार के सिलसिले में कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लानिंग की। एक यस मैन इंटरनेशनल के नाम से हमने एक फर्म लिस्ट बनाई और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पे हम कुछ टावल और बेडशीट्स ले गए। मैं यहाँ से अजरबैजान चला गया। लाइफ का पहला सफर था घर से बाहर निकलना। एक ऐसे बाहर कैसे रहा जाए, बाहर कैसे जाया जाए। इस्लामाबाद की एम्बेसी में गए, अजरबैजान की एम्बेसी से वीजा लिया। वापसी पे दोस्तों ने ईरान का वीजा लेके दिया। यहाँ से रवानगी हुई बजरिया ट्रेन कोयटा। कोयटा से ट्रेन से उतरे तो पता चला कि यहाँ से एक बस जाती है तापमान पर। वहां कुछ देर आराम किया, ताफ्तान वाली बस पे बैठे। बस चली रात का समय था, बलोचिस्तान से बस रास्ते में गया तो मिट्टी के होटल दिलों के बाद अच्छा लोग खाना आया, बड़ा लजीज खाना खाया। बस चली सुबह फजर के टाइम वो बस जाके अफ़तान बॉर्डर पर। वाह, अफ़तान बॉर्डर, रेत धूल मिट्टी, अफ़तान सी। अब क्या करना, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वहाँ से नाश्ता किया, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट खोला, अंदर गए तो हाँ जी किधर जा रहे हैं सर अजरबैजान, बिजनेस वीजा सर। ईरान से गुजर के जाना ट्रांजिट वीजा था। आराम से हमें एंट्री मिली, दूसरी साइड पे गई। दो दोस्त थे मेरे साथ, याकूब गिल और कैसर। वहां से हमने एक टैक्सी पकड़ी सीधा जैदान। जैदान से हमने बस पकड़ी तेहरान की। बड़ा लवली सफर यार, नई जगह पे नए लोग नए चेहरे। फांसी हमें आती नहीं, फोटो किसी को समझ नहीं आती। बड़ी मुश्किलों से जो कुछ भी कर करा के हमने वो सफर काटा। तेहरान पहुंचे, रास्तों में ब्रेकें लगी, नए होटल नए लोग नए खाने नई डिशेस। कभी आपका भी इतफाक हुआ तो जाना, बड़ा मजा आता है यार ऐसे ट्रांजिट सफर का, एक अपने लेवल। तेहरान पहुंच के रात को हमें एक होटल में स्टे करना हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के एक बंदा पाकिस्तानी था, उसको हुआ वहाँ पर रात को रुकी। नेक्स्ट डे डोमेस्टिक बस से हमने सफ़र किया बाकू के अजरबैजान। ट्वेंटी एट आवर्स का सफ़र करके हम आस्तरा बॉर्डर पे पहुंचे, जो ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर सिटी है उसको आस्तरा बॉर्डर कहते हैं। आस्था से वहां पे हम गए, बस से उतरे, अपना सामान छान लिया, इधर से हम एग्जिट हुए। अब दुनिया की सबसे खूबसूरत कौन, जो हर चीज में पैसे। यानी मैं ये समझता हूं कि करप्शन अगर आपने सीखनी है तो आप एक दफा वीजा लेके बाकू जरूर जाए। करप्शन कैसे की जाती है, पैसे कैसे लिए जाते हैं, ये उन लोगों से सीखा। गाड़ी में सफर कर रहे हैं, मेरे सर में दर्द था तो मैंने ड्राइवर को बोला कि यार थोड़ी सी आवाज कम कर। नो प्रॉब्लम, आवाज कम करने के साथ ही उसने मुझे पीछे हटाया। फुल बियर इस चीज के, तो आपके सर में दर्द था तो मैंने आवाज बंद कर दी। मेहरबान, उन्हें आवाज बंद कर दी तो थैंक यू।
कहते नहीं नहीं भाई जान पैसे दें, आपके सर में दर्द था, जो पीछे पैसेंजर बैठे हैं ये सारे ठीक हैं, मैंने आपके लिए आवाज कम की तो पैसे दें। लाइक चीज क्या बताई जा रही है कि वो यानी कमाल, किसी रास्ता पूछ लोगे। अक्सर वहां के बाबे जो है ना वो बाहर पार्कों के बाहर टी शर्टें पहन के तो वो एक लूडो टाइप सी गेम खेल रहे थे, मुझे आज तक उसका नाम नहीं पता, पी हुए हाथ में पकड़े हुए बड़े बड़े ग्लास पी रहे हैं पास से लगे। जनाब हादसन मेट्रो स्टेशन फौरन से अपने सारा काम छोड़ के खड़े हो, कह लो मुर्दा थे उधर है चौक सो दो फूट फूट। इस चीज मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था भाई, आपके कहने पे मैंने वो गेम छोड़ी है, मैं आपको रास्ता बता रहा कैसे दो एंड क्या बात है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत लोग कोई काफ, हमने बचपन में कहानियों में पढ़ा कि जी कोई काफ कोई सिटी है वहां पर देव और परियां रहती, तो आपके यानी कि नॉलेज में इजाफा करने के लिए मैं चीज आपको बताता हूँ कि कोई काफ आज़रबाईजान के एक सिटी का नाम है, वहां की औरतें इंतहाई खूबसूरत हैं, उनको परियां कहती हैं, यानी परियों जैसे होती है, वहां के मर्द इंतहाई बेसूरत हैं, उनको देव कहते हैं। यानी हम पाकिस्तानी लड़के हम यहाँ से ब्रांडेड कपड़े पहन के जनाब जा रहे हैं, जनाब हम तो बड़े ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, वहाँ पे जाके उन लोगों की ड्रेसिंग, उन लोगों के मोबाइल्स एक्सेसरीज उनके पास इस लेवल की है कि हमने कभी उनके सामने अपने मोबाइल नहीं दिखाए, हमने जितना भी ब्रांड पहना हुआ है उनके ब्रांड के आगे हम मान रहे हैं। लेकिन मेट्रो स्टेशन पे आपको वो कार्ड मिलते थे, आप उनके पास खड़े होके जब आप कार्ड मारते हो अंदर जाते हो तो वहाँ पर ऐसे काफ़ी देव खड़े होते हैं, बड़े लॉन्ग कोट पहने हुए उन्होंने, हाथों में बड़े एक्सपेंसिव मोबाइल और गर्दिश, फिर काउंटर मार दे, एक काउंटर उनके पास नहीं होता कि वो उसको पुश करके अंदर मेट्रो के अंदर, लेकिन सारी खूबसूरत परियां उनके साथ सेट है, उन देवों के साथ, और उन्हें लंबे बाल रखे हुए भाई पूरे स्टेशन, नो वे, ऐसी उल्लू की पटियां हैं आपकी तरफ देखती नहीं। पाकिस्तानी लड़के वहां पर जब मेट्रो स्टेशन पे जाते थे तो बिलीव करें कि उनके हाथों में न्यूज़पेपर होते थे, कहां लगाए होते उन्होंने आगे जवान आदमी अपनी जवानी को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हुआ, लाइफ का पहला सफर मेट्रो, इंदौर मेट्रो, वहां पर खड़े हुए मेट्रो की गाड़ी आई, दरवाजा खुला, मैंने बता खुशबुओं के झोंके, हाफ स्कर्ट्स में लड़कियां खड़ी, तेरी शॉप, 10 सेकंड बाद मेट्रो दोबारा रुकी और अंदर आई, वही पिछलियां भूल गई, हुआ बेख्तियार वहां पर रुकनाया, हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहां जाए। ये गानी चलती रहेगी, अभी बाकू में हम, बाकू में क्या हुआ, मुसलमान नाम नहाद मुसलमान, मुश्किल से कलमा भी आता है, लेकिन जनती है जितना इस्लाम को उनको पता है उतना उसको पता, बाकू में क्या हुआ, क्या मिसहैप हुआ, ये इंशाल्लाह आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये दोस्तियों का सफ़र बढ़ता रहे। अपना ख्याल रखिएगा।